दोस्त स्वागत है एम वर्ल्ड में दोस्तों वैसे कैंडिडेट जो सी सी एल से अप्रेंटिस करना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड की तरफ से पाँच सौ उनचालीस पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन निकली है अप्रेंटिस के लिए तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इसमें कौन अप्लाई कर सकता है इसकी सैलरी क्या है इसकी लास्ट डेट क्या है ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो में बने रहें दोस्तों सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं बीस ग्यारह दो के डेट में जो है ये नोटिस निकली हुई है और यहाँ पे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सारे ट्रेड वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन ट्रेड के लिए यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन निकली तो टोटल अगर हम बात करें तो 26 ट्रेड के लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन निकली हुई है और यहाँ पे सीट की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए एक सौ नब्बे सीट फिटर के लिए एक सौ पचास सीट मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस और व्हीकिल के लिए पचास सीट कोपा के लिए बीस सीट इसी तरह से दोस्तों आप अपना ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं आपके ट्रेड में कितनी सीट है और यहाँ पे दोस्तों टेंथ पास होना जरूरी है और साथ में किसी रिकोगनाइज बोर्ड से जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करते हैं उसी ट्रेड से दोस्तों आईटीआई होना बहुत जरूरी है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल अगर कैंडिडेट की हम बात करें तो टोटल सीट की सॉरी टोटल सीट की हम बात करें तो यहाँ पे पाँच सीट के लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन निकली हुई है अब एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहेंगे कि एज लिमिट में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनिमम जो एज है आपके अठारह ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो आपको तीस ईयर्स होना चाहिए और एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एस सी एस टी का पाँच साल ओ बी सी का यहाँ पे तीन साल जो एज रिलैक्सेशन मिलता है आ, सारे भर्ती में तो वैसे यहाँ पे भी जया वाहर आप यहाँ पे देख देख लेंगे अपना ट्रेड के हिसाब से कि आपके ट्रेड में कितनी सीट है और यहाँ पे उसी ट्रेड से आपको आई होना चाहिए एस सी बी टी से या एन सी बी टी से आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कि इसका स्टैपेंड की बात करें तो यहाँ पे सात हज़ार रुपये प्रति माह आपको जो है स्टैपेंड मिलेगा और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि जो है पाँच बारह दो हज़ार इक्कीस तक आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अनिवार्य योग्यता क्या है एलिजिबिलिटी क्या है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र बीस नवंबर दो तक अठारह वर्ष तथा पैंतीस वर्ष से अधिक होगी वैसे कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों अभ्यर्थियों को कम से कम जो है टेंथ पास होना चाहिए और निम्नलिखित जो ट्रेड है जो संबंधित ट्रेड है उस ट्रेड में जो है वो आईटीआई में उत्तीर्ण होना चाहिए और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैसे कैंडिडेट जो सी में किसी का ज़मीन गया है या सी में किन्हीं के पेरेंट्स जो है जॉब है करते हैं उनके जो है बच्चे को जो है फर्स्ट प्रिफ्रेंस यहाँ पे मिलेगा लेकिन जो है उनको प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल जितने भी हैं उनको यहाँ पे जो है प्रिफेयर मिलेगा लेकिन उनको पहले एक सर्टिफिकेट वहाँ पे एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर के पास जाके जो है वहाँ पे प्रमाण करके जो है सर्टिफिकेट जो है जमा करना होगा आगे अगर हम बात करते हैं वैसे सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे झारखंड से जो कैंडिडेट आईटीआई किए हैं वैसे कैंडिडेट के जो है प्राथमिकता मिलेगी आगे अगर हम बात करते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है तो आप इस वेबसाइट पर जाके जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ये फॉर्म फिलअप की जो आखिरी डेट है पाँच बारह दो तक जो है ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और यहाँ पे जो है एरिया दिया हुआ है सी का कि आप किस एरिया से जो है अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल तो 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 बारह टू तो, बारह एरिया दिया हुआ है तो आप इनमें से किसी एक एरिया को चूज कर सकते हैं आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीस ग्यारह दो तो हज़ार इक्कीस से ही जो है ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है तो आप इस वेबसाइट पे जाके जो है अपना रजिस्ट्रेशन सॉरी जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चयन की जो प्रक्रिया है तो पाँच दिसंबर तक आपकी फॉर्म फिल होगी उसके बाद दोस्तों जो है इसकी चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वैसे कैंडिडेट जो झारखंड से आई किए हैं उनको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और दोस्तों इन इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा सिर्फ आईटीआई के मार्क्स के हिसाब से ही जो है आपका मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के हिसाब से दोस्तों आपकी जो है सिलेक्शन होगी आगे अगर हम बात करें तो जब आपकी चयन प्रक्रिया हो रही होगी तो आपको जो है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड आधार कार्ड लिंक बैंक अकाउंट ये सारा चीज़ जो है आपको वहाँ पे जमा करना होगा रांची में जा दरभंगा हाउस में जब आपको बुलाया जाएगा दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है तो आपके मोबाइल पे दोस्तों आपके रजिस्टर मोबाइल पे दोस्तों एक ई आएगा और आपको यहाँ पर एम टी एस एच आर डी ऑफिस दरभंगा हाउस में सीसीएल में बुलाया जाएगा आपकी सत्यापन के लिए तो आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कुछ नियम एंड शर्त है इनके तो आप इसको बढ़िया से रीड कर लीजिएगा तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो जय हिंद जय भारत